साधु, 15 से 20 बरस का साधु इसी तरह उजला पोशाक में वो आ रहा था। इस औरत का नजर पड़ गया साधु पर, कहती है बाबा साहेब बंगी, साधु कहा साहेब बंगी। ये महिला कहती है बाबा जरा मेरे दरवाजे पर भी आना। कहा ठीक है, हम घूमते घूमते आ रहे हैं। घूमते घूमते साधु बाबा आ गए इसके दरवाजे पर, आवाज लगाया तो ये औरत घर से निकल के आई। बाबा को साहेब बंदगी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे, तो साधु बाबा कहा कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। उसके बाद साधु पूछा दुल्हन इस घर में अकेली रहती हो, तुम्हारे ससुर कहाँ है, तुम्हारी सास कहाँ है, तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? तो दुल्हन कहती है बाबा ससुर का तो अभी जन्म नहीं हुआ है, सास 2 बरस के है और दूल्हा 12 बरस के है। कहा कुछ भोजन कराओगी? तो महिला कहती बाबा भोजन तो हम कराते लेकिन यहाँ बसिया चलता है ताजा के कोई उपाय ना। साधु कहा हम बसिया नहीं पाते हैं। साधु चल दिया। साधु जब चल दिया तो अगल बगल के घर वाली औरत सब ये दोनों के बात को सुन रही थी। जो साधु चला तो औरत इसके सास को जाके कहती है गाय भैंस के बथान में जाके, तुम्हारी पुतोह कितना बदचलन है, कितना बदमाश है, वो युवक साधु से क्या सब बात किया है। कह रही है ससुर के जन्म नहीं हुआ और सास है 2 बरस के। बताओ जिसके ससुर का जन्म नहीं हुआ और सास है 2 बरस के, उसको बहू कहाँ से आ गई? अगर हमारी पुतो होती तो अभी हम उसको निकाल के बाहर कर देते। उसके सास को आग लग गई। 2-4 नौजवान को कहा देखो जी गांव में कहाँ है बाबा जी, उसको पकड़ के लाओ। नौजवान सब गया, साधु गांव में घूम रहे थे, चंदा चुटकी कर रहे थे, पकड़ लिया ही सब, पकड़ के लाया। गांव के मुखिया को बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, सारे बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया, पंचायती शुरू हो गया। मुखिया जी साधु से पूछे बाबा आपको क्या जरूरी था इस युवती औरत से बात करने का? साधु कहा हमको कोई जरूरी नहीं था, हम तो रास्ता पकड़ के जा रहे थे, यही बुलाई तो हम आ गए। आए तो क्या सब हुआ, आए तो हम आवाज लगाए तो इधर पर आई, हमको साहेब बंदगी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे। तो मुखिया जी कहे इसका क्या अर्थ है? तो साधु कहा ही तो दुल्हन बोली है, उससे इसका अर्थ पूछा जाए। तो मुखिया जी पूछे कि ए दुल्हन तुम जो साधु बाबा को कही कि बाबा इतना सवेरे, इसका क्या अर्थ हो रहा है? तो दुल्हन कहती है मुखिया जी मेरे कहने का भाव था कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु हो गए। तो साधु ने जवाब दिया कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। कहा इसका मतलब? तो ये बाबा से पूछिए। मुखिया जी साधु बाबा से पूछे बाबा आप जो कहे सवेर में अबेर हो जाए इसका क्या मतलब है? तो साधु ने कहा कि मुखिया जी मनुष्य के उम्र की कोई गारंटी नहीं है, किस समय है या किस समय नहीं है। तो हम चौथापन में भक्ति करते और कहीं हमारी मृत्यु अभी ये हो जाए तो हमारा भक्ति तो होगा नहीं, इसलिए अबेर के डर से सवेरे अपना काम शुरू कर दिए। का इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम पूछे ससुर कहाँ है तो ये कहती है अभी जन्म नहीं हुआ। तो मुखिया जी पूछे कि ए दुल्हन तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तू कहाँ से आ गई, बहू कहाँ से आ गई? जिसके ससुर का जन्म न हो तो बहू कहाँ से आ गई? तो ये दुल्हन कहती है ए मुखिया जी मनुष्य का जन्म 2 बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं पर्यायवाची शब्द में,
द्विज क्यों कहते हैं? ब्राह्मण का दोबारा जन्म होता है। एक दिन जिस दिन वो माँ के गर्भ से आया तो मनुष्य बन के आया, और दूसरे दिन 15-20 बरस के बाद उसका जब जनऊ होता है, उपनयन होता है और गले में जनऊ पड़ता है, तो उस दिन से वो ब्राह्मण हो जाता है, यानी दोबारा जन्म हुआ। इसलिए ब्राह्मण को पर्यायवाची शब्द में हम विप्र भी कहते हैं और द्विज भी कहते हैं। द्विज का सीधा अर्थ है दोबारा जन्म हो जाना। ये मंच पर आप देख रहे हैं, जितने बैठे हैं सारे द्विज बैठे हुए हैं, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सबका दोबारा जन्म हुआ है, सब गुरु के गर्भ से आए हुए हैं। कहते हैं मुखिया जी, मां के गर्भ से आने वाला चोर, बेईमान, लबरा, लंपट, मछली खाने वाला, मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, भांग पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, जर्दा खाने वाला, किमाम खाने वाला, चोरी करने वाला, बेईमानी करने वाला, मिलावटबाजी करने वाला, दलाली करने वाला, ये सारे होते हैं मां के गर्भ से आने वाले। और जो गुरु के गर्भ से दोबारा जन्म लेते हैं वो संत होते हैं, वो साधु होते हैं, वो सज्जन होते हैं, वो निर्वाण होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, सन्यासी होते हैं, वक्ता होते हैं, योगी होते हैं, अवधूत होते हैं, वीतराग होते हैं, सदाचारी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। ए मुखिया जी, ससुर के तरफ उंगली करती है, मुखिया जी इन कुत्तों से पूछा जाए, आदमी में जन्म हुआ है अभी? ये रात दिन होटल पर मांस मछली खाता है, अतारी दारू पी, पूछा जाए इसे ये आदमी है, जन्म हुआ आदमी में? अब तो सारे पंच का मुंह बंद हो गया, कोई नहीं जवाब दे रहा है। आप लोग जवाब दीजिएगा, जो मांस मछली खा रहा है वो मानव है कि दानव? दूसरे के खून पीने वाला, मांस खाने वाला मानव है कि दानव है? उसका आदमी में जन्म हुआ, छठ बाद में हो चाहे जितिया, पहले आदमी तो बनिए, पहले मनुष्य तो बनिए, पहले इंसान तो बनिए। सारे पंच का मुंह बंद हो गया। मुखिया जी पूछे, सास के बारे में कही हो 2 बरस के है जी, ये भी अब अगली, पहले कुत्ती थी, कुत्ती ये भी हर चम चिवा रही थी, लेकिन 2 बरस पहले कोई सदगुरु मिला, हमारे सास को कंठी माला दे दिया, अब हमारी सास भात रोटी साग सब्जी दूध दही घृत मक्खन मलाई खा रही है। 2 बरस पहले हमारे सास का आदमी में जन्म हो गया। कहा दुल्हा के बारे में कही हो 12 बरस, जी हमारा दुल्हा भी पहले कुत्ते था या बगला, ये हो हरे मांस चिबा रहा था, लेकिन 12 बरस पहले कोई संत मिल गया, सलेंदर साहेब सन के, आनंद साहेब सन के मिला, और इसके गले में कंठी माला दिया, अब हमारा दुल्हा काजू किशमिश बादाम मुनक्का छुहारा सेव संतरा अनारस बेदाना आम लीची कटहर केला आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल खा रहा। 12 बरस पहले इसका आदमी में जन्म हो गया। मुखिया जी कहे, तो फिर साधु बाबा भोजन मांगे तो तू कहीं बसिया होगा? जी हमारा जो ससुर है अभागा, इसके जो पिताजी थे और दादाजी परदादाजी सब संत महात्मा थे, सबके गले में कंठी माला और सब भजन भक्ति सुमरण ध्यान करने वाले वही लोग जो करके गए धर्म करम, मुखिया जी उसी बसिया पर चल रहा है, ताजा में पापी सब कुछ नहीं करता, क्या हम बाबा को पंगत कराते? पूरे गांव के लोग उस दुल्हिन के विचार से प्रभावित हो गया और कहा कि इसके नजर में हम लोग कुत्ता साबित हो गए। सारे लोग शुद्ध शाकाहारी हो गए। मैं